नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने 2023-24 के सत्र से सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। CBCS पर आधारित ये सेमेस्टर सिस्टम, जिसके तहत अब हर 6-6 महीने में एक परीक्षा होगी। 6 महीने की अवधि को एक सेमेस्टर बोला गया है। एक सेमेस्टर सिस्टम में किस प्रकार परीक्षा होगी, किस प्रकार पेपर आएगा, इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के तहत जो भी ज़िले आते हैं और उनमें जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं BA के सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के लिए इस वीडियो में जानकारी दी गई है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ही सेमेस्टर सिस्टम इस साल से लागू किया गया है, इसलिए जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अनुसार जो भी जानकारी अब तक उपलब्ध है उसके अनुसार पुराना सिस्टम ही लागू रहेगा। एक स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल भी है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होंगे उनके भूगोल विषय में, जियोग्राफी में प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे। तो यूनिवर्सिटी ने अब तक ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है कि प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग उनके भी प्रैक्टिकल होंगे और रेगुलर स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो भी स्टूडेंट अध्ययनरत हैं उनके लिए कोई बदलाव नहीं है। जिस प्रकार से पहले की परीक्षाएँ आयोजित होती थी वैसे ही आयोजित होंगी। अब एक यूनिवर्सिटी की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार इस वर्ष से जो पहला सेमेस्टर होगा BA का, उसमें OMR पैटर्न पर आधारित OMR पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे सेमेस्टर फर्स्ट में, और सेमेस्टर सेकंड में डिस्क्रिप्टिव परीक्षा ली जाएगी। निबंधात्मक प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरात्मक होंगे, लघुत्तरात्मक होंगे। आपको ये वीडियो लास्ट में जरूर जरूर देखना है, क्योंकि इसमें वो सब बातें बताई जाएगी जो आपके लिए काम की है। सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर सिस्टम की। 2023-24 से सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड दोनों 2023-24 में आपके हो जाएंगे, और सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ 2024-25 में, और सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स्थ, यानी अब आपके 3 वर्ष के बजाय 6 सेमेस्टर होंगे। एक वर्ष में पहले एक परीक्षा होती थी जिसको एनुअल सिस्टम कहा जाता था, अब हर वर्ष में 2 परीक्षा होगी, 6-6 महीने बाद परीक्षा होगी, इसको सेमेस्टर सिस्टम कहा गया है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने यह निर्णय किया है कि पहला जो सेमेस्टर होगा उसकी परीक्षा OMR बेस्ड होगी, यानी OMR आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरे सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो आपकी लिखित निबंधात्मक तरीके से ली जाएगी। तो स्कीम और सिलेबस के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। स्कीम के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी तक OMR पैटर्न की कोई स्कीम जारी नहीं की है। वो जब भी जारी करेंगे तब स्टूडेंट्स खुद उसको अपडेट रखें, या फिर इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोशिश की जाएगी कि आपके कमेंट का सही जवाब दिया जाए। अब जो भी स्कीम अब तक यूनिवर्सिटी ने जारी की है उसके अकॉर्डिंग आपके सेकेंड सेमेस्टर में ये स्कीम लागू रहेगी। इसमें कुछ बदलाव हो सकता है यूनिवर्सिटी के लेवल पर मार्किंग पैटर्न में, लेकिन मूलतः आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी विस्तृत गाइडलाइन जारी करने के बाद ही आप इसको ध्यान में रखें। एक विषय में जो भी जान प्रैक्टिकल नहीं है वहाँ पर 2 पेपर होंगे, एक विषय में 2 पेपर, और जैसे किसी विषय में प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो एक विषय में 3 पेपर्स होंगे, जिसमें से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड तथा तीसरा पेपर जो होगा वो होगा प्रैक्टिकल का। तो ये BA और BSc पार्ट फर्स्ट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का ज्योग्राफी का आपकी सिलेबस इसमें दिया हुआ है, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम। BA BSc
पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में भूगोल का पहला जो पेपर होगा उसका नाम है भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान के विशेष संदर्भ में। इसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, 5 यूनिट। पहली यूनिट में भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान का स्थान, सौर मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, निहारिका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना और बिग बैग सिद्धांत तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक एवं रासायनिक दशा, संरचना एवं कटिबंध, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी को रखा गया है। दूसरी यूनिट में समस्थिति पर्वत निर्माण के सिद्धांत, जिसमें जोली, कोबर एंड ऑर्थर होम्स को सम्मिलित किया गया है और सेल के प्रकार और उनकी विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। तीसरी इकाई या यूनिट थर्ड में अपक्षय और मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, भू संचलन, पटल विरूपण, भ्रंश एवं वलन, भूकंप, ज्वालामुखी कारण और निर्मित स्थलाकृतियों को रखा गया है। यूनिट चार में अपरदन चक्र, विलियम मॉरिस डेविस और वाल्थर पेंक, नदीकृत स्थलाकृतियाँ, कार्स्ट स्थलाकृतियाँ, इनको इंक्लूड किया गया है। यूनिट फाइव में हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और तटीय स्थलाकृतियों को इंक्लूड किया गया है। ये पेपर फर्स्ट का आपका 5 यूनिट का सिलेबस है, भौतिक भूगोल जिसका नाम है। जो पेपर सेकंड है वो है आपका संसाधन भूगोल। ये प्रथम सेमेस्टर की ही बात हो रही है। फर्स्ट सेमेस्टर में ज्योग्राफी में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और प्रैक्टिकल। जो दूसरा पेपर होगा उसका नाम है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल की इकाई फर्स्ट में संसाधन भूगोल का परिचय, अर्थ तथा संसाधन और पर्यावरण अंतरापृष्ठ को शामिल किया गया है। यूनिट सेकंड में संसाधनों का वर्गीकरण, नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैविक वन, वन्य जीव, पशु संपदा, मत्स्यन, कृषिगत फसलें और अजैविक संसाधनों में भूमि, जल और खनिज को सम्मिलित किया गया है। इकाई 3 में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वितरण और उपयोग, उनका आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व, मृदा के प्रकार और उनका वितरण, मृदा अपरदन की समस्या और मृदा का संरक्षण, ये सम्मिलित किया गया है। इकाई 4 में वन, वनस्पति, जंतु और मत्स्यन के प्रकार एवं उनका वितरण, उनका आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व तथा वन संसाधनों का संरक्षण इंक्लूड किया गया है। और लास्ट यूनिट जो है वो है जल का वितरण और उपयोग, जल संग्रहण आवश्यकता, जल के स्वरूप, भूमिगत जल और उसकी उपयोगिता और प्रत्यक्ष उपयोग के लिए वर्षा जल का संचयन किस प्रकार होता है तथा आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को इंक्लूड किया गया है। ये आपका दूसरा पेपर, उसकी 5 यूनिट्स। प्रैक्टिकल जो पेपर होगा उसकी अवधि 6 घंटे की रखी गई है। प्रैक्टिकल के पेपर की अवधि 6 घंटे की रखी गई है, जिसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक 7 दिए हुए हैं। हालांकि इसमें बदलाव संभव है, यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स डिसाइड होंगे। इसमें अंकों का विभाजन इस प्रकार किया गया है, लैब वर्क है यानी प्रयोगशाला कार्य है वो 10 नंबर का, फील्ड सर्वे और वाइवा वोची यानी मौखिकी वो 5 नंबर की, और आपका रिकॉर्ड जो फाइल बनती है और मौखिकी 5 नंबर का, कुल मिलाकर 20 नंबर यहाँ दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अनुसार ही आपका अंक विभाजन निश्चित किया जाएगा। पाठ्यक्रम उसके लिए ये दिया हुआ है, मापनी, सरल तुलनात्मक एवं विकर्ण, मानचित्रों का विवर्धन, लघुकरण और संयोजन, जरीब, फीता सर्वेक्षण, माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं प्रमाप विचलन। ये आपका पहले सेमेस्टर का सिलेबस हुआ। पहले सेमेस्टर के बाद जब आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का भूगोल का वही पैटर्न रहेगा। सेकंड सेमेस्टर में जो नवीनतम गाइडलाइन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की ओर से जारी की गई है उसके अनुसार सेमेस्टर सेकंड में आपकी डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी। सेमेस्टर सेकंड में डिस्क्रिप्टिव
और सेमेस्टर फर्स्ट में आपकी OMR बेस्ड MCQ क्वेश्चंस होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके द्वारा परीक्षा ली जाएगी। तो सेकंड सेमेस्टर में आपके फर्स्ट पेपर का नाम होगा फिजिकल जियोग्राफी। BA BSc पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेमेस्टर में जियोग्राफी के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम होगा, फर्स्ट पेपर का नाम होगा भौतिक भूगोल, जलवायु एवं समुद्र विज्ञान। इसकी इकाई एक में वायुमंडल का संगठन और स्तरीकरण, सूर्य तप और ऊष्मा बजट और तापमान। इकाई दो में वायु दाब और पवने, जेट प्रवाह और वर्षण। इकाई तीन में वायु राशियां और वाताग्र, चक्रवात, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, जलवायु के प्रकार कोपेन का जलवायु वर्गीकरण को इंक्लूड किया गया है। इकाई चार में महासागरीय नितल का विन्यास, महासागरीय जल में तापमान एवं लवणता का वितरण, महासागरीय धाराओं तथा ज्वार भाटा को इंक्लूड किया गया है। इकाई पाँच में आपके महासागरीय निक्षेप, प्रवाल भित्तियाँ एवं प्रवाल वलय, प्रकार और डार्विन मरे व डेली के अनुसार उनकी उत्पत्ति, सागरीय पर्यावरण पर मानव जनित गतिविधियों के प्रभाव को सम्मिलित किया गया है। पेपर सेकंड जो आपका होगा उसका नाम होगा मानव और पर्यावरण। ये सेमेस्टर सेकंड का सेकंड पेपर होगा आपके ज्योग्राफी का। इसकी यूनिट फर्स्ट में पर्यावरण का अर्थ, प्रकृति एवं घटक, दूसरे पर्यावरण का वर्गीकरण, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता को इंक्लूड किया गया है। यूनिट सेकंड में मानव पर्यावरण अंतर संबंध, जनसंख्या का आकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार और प्रौद्योगिकी के संबंध में, और मानव जनित गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको इंक्लूड किया गया है। यूनिट थर्ड जो है उसमें आपके पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें जल, वायु, भूमि, ध्वनि तथा रेडियो सक्रिय, इनके कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय। इकाई चार में पर्यावरणीय प्रबंधन, जिसमें वन मृदा, वन्य जीव और उसकी जागरूकता, पर्यावरणीय शिक्षा, उसकी समस्याएं और उसका नियोजन। और इकाई पाँच में वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास को इंक्लूड किया गया है। प्रैक्टिकल जो होगा उस प्रैक्टिकल के पेपर में सेकंड सेमेस्टर में अवधि फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल की तरह ही 6 घंटे की रखी गई है, जिसमें प्रयोगशाला कार्य, सर्वे रिपोर्ट और वाइवा वोची यानी मौखिकी और रिकॉर्ड यानी फाइल, ये 10, 5, 5 इस हिसाब से आपके मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। लेकिन जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मार्किंग स्कीम यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होगी, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो मेंशन की हुई है वही हो। पाठ्यक्रम है उच्चावच निरूपण की विधियाँ, परिच्छेदिकाओं के भेद, परिच्छेदिका की रचना, स्थलाकृतिक पत्रों का अध्ययन, भारत के स्थलाकृतिक पत्रों की पद्धति, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित एक गांव का अध्ययन और विद्यार्थियों को पृथक पृथक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसमें सभी विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि जो भी आपकी बुक्स रिकमेंड की गई है, अनुशंसित पुस्तकें या कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है, ये जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके साथ दिया हुआ है। हिंदी के साथ पुस्तकों के नाम नहीं दिए गए हैं। जो भी आपकी बुक्स रिकमेंडेड हैं उनका जिक्र अंग्रेजी वाले सिलेबस के नीचे किया हुआ है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखें। और एक बात विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप किसी भी अपडेट के आधार पर ही निर्णय करें और अंतिम सूचना के लिए यूनिवर्सिटी को ही ऑथेंटिक माने, क्योंकि यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में जो OMR पैटर्न लाएगी उसमें कुछ गाइडलाइन अभी आना शेष है, तो स्कीम के बजाय आप सिलेबस को पढ़ने में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करें। सिलेबस पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, स्कीम की चिंता न करें। आपको इसके बारे में जल्द ही कुछ ना कुछ अपडेट बड़ा मिलने वाला है। तो इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी अगर समझ में नहीं आता हो, कोई शंका हो, तो उसके बारे में कमेंट करें। कोशिश की जाएगी कि आपके कमेंट का जवाब अच्छी तरीके से दिया जाए।